हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। आज मेरे कॉलेज में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में रंगोली कंपटीशन हो रहा है, तो चलिए आप सभी को दिखलाते हैं। ग्रुप येलो सेक्शन ए के द्वारा बनाया गया रंगोली बहुत ही खूबसूरत है। येलो हाउस ग्रुप बी के द्वारा बनाया हुआ रंगोली अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रंगोली, मैसेज भी है, गो ग्रीन एंड मेक आवर अर्थ ब्यूटीफुल प्लेस टू लीव। रेड सेक्शन बी के टीम मेंबर्स बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। बहुत ही बड़ा रंगोली है, देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मेंबर भी हैं। फाइनल टच दिया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत रंगोली। एक मैसेज भी है, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव लाइफ, फ्लैट ट्री, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब सब कुशल मंगल है। कि बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाया गया है, मदर नेचर, ट्री, और ट्री में बर्ड्स भी हैं, एक फिश भी है, रेनबो है। टीम मेंबर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं फाइनल टच देने के लिए। रेड हाउस सेक्शन ए के द्वारा बनाया हुआ रंगोली बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अद्भुत है। अभी तक का सब रंगोली में से अच्छा रंगोली लग रहा है। मदर नेचर टीम मेंबर में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, बहुत हड़बड़ी है। फाइनल टच दिया जा रहा है सबके द्वारा, सब फाइनल टच दे रहे हैं। हाउस सेक्शन ए रंगोली बहुत ही बेहतरीन, अर्थ प्रोटेक्ट कर रहा है, अम्ब्रेला, एक मैसेज भी है, सेव वाटर, रीयूज, रिसाइकल, प्लांटेशन और ग्रीन एनर्जी। ग्रीन हाउस सेक्शन बी अर्थ डे का मैसेज, सेव अर्थ, सेव लाइफ, नो वाटर नो लाइफ, द अर्थ हैज अ सोल, मदर नेचर, अर्थ बहुत ही बेहतरीन है। रन टीम मेंबर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं फाइनल टच देने के लिए। टीम मेंबर्स इनके द्वारा बनाया गया है ये ड्राइंग। टीचर संगीता मैम, साथ ही और भी टीचर्स हैं जो भी रंगोली देखने वाले हैं। ए के द्वारा बनाए हुए रंगोली, नेचर, अर्थ, स्पेशल, रियल एंड यूनिवर्सल, स्पेस, यंग्स, मेंशन, बहुत ही अच्छा ड्राइंग है, बहुत ही अच्छा रंगोली है। और ये टीम मेंबर्स ब्लू सेक्शन ए, ब्लू हाउस सेक्शन ए के टीम मेंबर्स जिनके द्वारा ये रंगोली बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। ब्लू हाउस सेक्शन बी के द्वारा बनाया हुआ रंगोली विद जीरो इन्वेस्टमेंट, पूरी तरह से यूज किया गया चौक, बालू, मिट्टी, आटा, गुलाल। और ये टीम मेंबर्स ब्लू हाउस सेक्शन बी के टीम मेंबर्स जिनके द्वारा ये बनाया गया है। इंस्पेक्शन के लिए जा रही है, मैम समझा रही है किस तरह से मार्किंग किया जाएगा उसके बारे में। सदियों से हम हमेशा अपने धरती माँ को एक जननी के रूप में देखते आए हैं, मानते हैं।
जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण अपने कोख में 9 महीने तक रखती है, फिर अपने स्तन से उसका पालन पोषण करती है, उसको बड़ा करती है, उसका देख रेख करती है, उसी तरह से हमारी धरती माँ हमें कोख में रखती है और अपने स्तन से अलग अलग प्राणियों का सृजन करती है। वो हमने एक स्तन का रूप दिया है जहाँ से पेड़ वृक्ष प्रकृति जो कि हम सबको खाना भोजन, हम यहाँ से जितने भी जीव जंतु चाहे वो जानवर चाहे वो मनुष्य हो, हमें भोजन उन्हीं से मिलता है। फिर एक वृक्ष हमें फल देते हैं, पत्ते देते हैं, उससे फिर सारे जानवरों का मतलब पालन पोषण होता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं कि जिस तरह से हमारा अर्थ का 71% वाटर होता है, 29% लैंड होता है, तो मेजर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वाटर में। उस तरह से हमने डॉल्फिन एंड फिशेस को बना के अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 71% वाटर है, जो सबसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वाटर से। तो हमारे जो अर्थ है हम लोग नदी नदी वाटर के रूप में देखते हैं, तो जो नदी है उसमें भी अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं जो उनका सृजन करती है, जैसे डॉल्फिन बनाया, वहाँ पर फिश बनाया है, उसमें भी जीवन है, जिंदगी उनका सृजन करता है। और फिर रेनबो है, ये सारी चीजें मिलकर हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह की हमने हमारा जो थीम है वो है वो भी एक्मी टावर और कम्युनिटी को प्लेस टू लीड। इसमें हमने पूरा ग्रीनरी दिखाया है, जैसा कि ये पिक्चर है तो इसमें हमने ये ट्री को एक लेडी के रूप में दिखाया है, क्योंकि ट्री भरा बिल्कुल एक मान की तरह काम करती है जो पूरे अर्थ को ग्रीनरी प्रोवाइड करती है, स्वच्छ हवा देती है, खाना देती है, लकड़ी देती है, मतलब एक लोगों के लिए रोजगार भी प्रोवाइड करती है। अगर ग्रीनरी नहीं होगा तो हमारा जो पूरा अर्थ है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, मतलब एक लेडी है जो पूरे अर्थ को संभाली हुई है, ये हमारी धरती की गर्माहट को कंट्रोल करके रखती है और पशु पक्षी जानवर सभी के लिए रहने का स्थान प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हमने ये बनाया है वो भी जितना ज्यादा हमारे अर्थ में प्लांट्स रहेगा, ट्रीज रहेगा, उतना ही हमारा अर्थ सेफ रहेगा। हम लोग 10% सर, इसमें हमने 10% केमिकल यूज किया, बाकी 90% जो है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट किया है, लाइक हमने बालू का, मिट्टी का यूज किया है, टर्मरिक का यूज किया है एंड नमक का यूज किया है, सर आटा का यूज किया है। सर वो अभी मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जो कोरल से वो रीसिंग बायोडाइवर्सिटी होता है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण या तो हमारे जो कोरल रीफ से वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, तो उसी को हम लोग बचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है क्या करें जो फिर से हम लोग कोरल रीफ से पहले जैसा ही कलर से हो। सबकी बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर जो हमें दिख रहा है, प्लैनेट के प्लैनेट के ऊपर जो हमें दिख रहा है हमारे ट्रीज हो गया, बर्ड्स हो गया, उनको बचाने का, पर अभी इस पर इतना फोकस नहीं गया है कि ओशन के भी एक इको सिस्टम है जो बोले का इको सिस्टम है जिसे हमें बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओशन के जानवरों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो मेनली ओशन में कोरल्स की मिलता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा CO2 एब्जॉर्बर है ओशन। अगर ये कोरल चला जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये डिप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे अपना कलर लॉस कर रहे हैं, इनके कलर का मेन कारण है एल्गी, तो एल्गी धीरे धीरे छोड़ रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है वो पिघल रहा है, इसकी वजह से जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो प्रॉपर सनलाइट का रेस है वो इन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ये अपना लाइफ नहीं चला पा रहा है और इनका डेथ हो रहा है। तो एक बड़ा जो कोरल रीफ का सेक्शन है हमारा अंडमान में भी है, लक्षद्वीप में भी है, वहाँ बहुत बड़ा इसका इको सिस्टम है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रहा है, तो इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए, बाकी प्लैनेट्स के ग्रीनरी के एरिया को देखते हैं। प्लैनेट्स के जो ऊपर है वो तो सब लोगों को दिखता है, वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो लोग नहीं फोकस कर पाते, इसलिए हमने ये थीम चुना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि इसको भी कंजर्व करना। सर जैसे एक और है सर, एक और ये था कि आजकल मतलब बहुत टाइम से ये चल रहा था कि अर्थ का जो पॉल्यूशन है उसको नहीं तो वाटर पे डंप कर दो या ओशन में डंप कर दो, पर वहां जाके वो इस पर अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक्स है वो यहाँ पे जाके भी अफेक्ट कर रहा है, पानी के ऊपर की सतह से पूरा बर्बाद कर रहा है, जिसकी वजह से इसके लिए चिंता रहना बहुत मुश्किल है। सूजी और रंगोली कलर और सूजी और गुलाल और चॉकलेट, ये प्रेजेंटेशन येलो हाउस सेक्शन एक आता है। ये मेरी टीम में बस हेलो हाउस सेक्शन ही थे, कुछ लोग पीछे छूट गए हैं, तो गाइस जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लॉर्ड नेल्सन वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू सेलिब्रेट अर्थ डे ड्यू टू ऑयल स्पिल इन कैलिफोर्निया। फर्स्ट बार जनरल ने मनाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, 1969 में वॉइस हुआ था सेंटा बाजार कैलिफोर्निया में, जिसके कारण डिस्टर्बेंस के कारण 1970 में प्लस इसे अवेयरनेस फैलेगा कि अर्थ को भी बचाना है, क्योंकि उस समय नेशनल कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं था उतना बढ़िया से, या फिर कोई एक्शन नहीं जा रहा था अर्थ बचाने के लिए, बस बात ऐसी है कि अर्थ अभी जैसे वो देख रहे हैं कि डिप्लीट करते जा रहा है, अब इतना ज्यादा डिग्रेड कर रहा है कि लाइफ के एक्सिस्टेंस के लिए उतना सपोर्ट नहीं रहा, तो हम अगर हम डिप्लीट करते जाएंगे धीरे धीरे, हम लोग एक्सपोर्ट करते जाएंगे, तभी धीरे से बहुत ज्यादा परेशानी होगी, तभी धीरे से ज्यादा परेशानी ना हो, प्लस उन्हें ये ना लगे कि जो भी था हमारे लिए हमारे सब एक्सपोर्ट करने जा सके, तो उन्हें ये ना लगे कि
हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, तो हम लोग सब लोग मिलकर अर्थ को बचाने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। उसे कुछ स्टेप्स मैंने दर्शाया है, ज्यादा तो दर्शाना पसंद नहीं था। तो फर्स्ट स्टेप मैंने देखा कि सेफ वाटर, अगर पानी हम लोग यूज करते हैं और पानी ड्रिप भी हो रहा है, टैक्स अगर पानी खत्म यहाँ से छोड़ देते हैं, उसमें हम लोग बाजी लगा सकते हैं या कोई भी फर्क लगा सकते हैं, पानी बच जा रहा है उससे। प्लस और भी जैसे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर में, उसमें वो फ्लो होकर बचा जाता है रिवर में, उसको हम लोग यूज कम करना है, बायो मैनेजर यूज कर सकते हैं तो वो जीरो बजट हो जाएगा। प्लस केमिकल यूज कम होगा तो वो सॉइल डिग्रेडेशन के प्लस वाटर डिग्रेडेशन रीजन है कि जैसे प्लास्टिक लोग यूज करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जीसी वगैरह यूज करते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो क्या नहीं वाटर को हार्म करता है, सॉइल को हार्म करता है, प्लस जानवर से खा जाते हैं तो जानवर को भी हानि है। और अगर हम लोग यूज करते हैं ठीक है, उसे बंद करना तो पॉसिबल नहीं है कि वो हमारे कल्चर में आ चुका है, हम लोग बहुत अच्छा उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर बंद नहीं कर सकते उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना से बंद उतना ही हम लोग रीयूज करते जाएंगे तो प्रोडक्शन कम होगा उसका और थोड़ा हार्म भी कम होगा। हर हमने दिखाया रिसाइकल के लिए, रिसाइकल के लिए कि रीयूज है कि उसको उसी फॉर्म में यूज करते हैं, बट रिसाइकल है कि जो सामान बन चुका है उसको हम लोग मोल्ड करके फिर से न्यू शेप दे सकते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे प्लांटेशन का प्रोसेस है क्योंकि ट्रीज को हमारा धीरे धीरे अपर्सिटी पर चल जा रहा है, ट्रीज का संख्या कम होता जा रहा है हमारे ऑक्सीजन में, प्लांट की संख्या ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। फिर हम यूज किए ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है कि हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हम यूज करते हैं, टाइडल एनर्जी यूज करते हैं, हाइड्रो एनर्जी यूज करते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग कोई भी कंबसन नहीं करते, थर्मल में क्या है कि हम लोग कोल जलाते हैं उससे एनर्जी तो प्रोड्यूस होता है बट उसमें पॉल्यूशन भी होता है। और ग्रीन प्लस हम लोग ये जो ग्रीन एनर्जी है या सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब हम लोग कुछ जलाते वगैरह नहीं, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, तो बिना बाई प्रोडक्ट के ये सब एनर्जी वेस्ट होना जाता है। आप लोग सबको घूम देखिए आज का जो रंगोली है वो हम लोग अर्थ डे के उपलक्ष्य में बनाया है, तो हम लोगों ने रीजन ही दिखाने की कोशिश की हमारे अर्थ में आज से जुड़ी कितनी सारी समस्याएं हैं और हम उसे कैसे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अर्थ डे कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट हुआ। तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 22 अप्रैल 1920 में बाय डेलॉर्ट नेल्सन, और उन्होंने ये स्टार्ट किया था, उसके बाद से कई देश उसे फॉलो करने लगे और ये हर साल 22 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें दिखाया है हमारी मदर अर्थ, हमारी मदर अर्थ जो सभी लिविंग थिंग्स का सृजन करती है, सारी प्राकृतिक चीजों को हमें देती है, लेकिन बदले में हम उन्हें क्या देते हैं, हम उन्हें बस पॉल्यूट करते हैं। वहाँ पर हमने दिखाया है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पहले बहुत हरी भरी थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो हम मानव ने उसका क्या हाल किया है, सूखे की समस्या बन आ पड़ी है और हमारे धरती कहाँ से कहाँ जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में 70% जो है वो है ओशन वाटर और 27% जो है वो है लैंड और अप्रॉक्स 3% जो है वो है फ्रेश वाटर जो हम पीने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन जो फ्रेश वाटर का जो अमाउंट है वो अब बहुत स्तर गिर रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल गिर रहा है, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं लैंड में, जिसकी वजह से वो हमारी पृथ्वी से सह नहीं पा रही। हम जैसा देखें कि आज ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, तो हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं और हम देख सकते हैं कि नो वाटर नो लाइफ। हाँ, आज के समय में हमारे जो पानी की जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इतना घट गया है कि हम अगर पानी ना हो तो हम लोग लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमने दिखाया है रियूज रिसाइकल एंड रिड्यूस, ये 3 R's ऑफ आवर एनवायरमेंट है, यानी कि ये है ऐसी चीजें जिसको यूज करके हम अपने पृथ्वी का बर्डन घटा सकते हैं। आज के समय में जो एनर्जी हम यूज करते हैं जैसे कि फ्यूल हो गया, फ्यूल क्या करता है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट क्रिएट करता है हमारे अर्थ में, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी, बायोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और भी ऐसी कई सारी एनर्जी है जिन्हें यूज करके हम अपने पृथ्वी को कंजर्व कर सकते हैं। इस बार का जो हमारा थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, कहने का अर्थ यह है कि हम अपने प्लैनेट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने अर्थ को सुरक्षित रखें, पॉल्यूशन कम करके, वाटर का एक सदुपयोग करके, प्लांट लगा करके, एफॉरेस्टेशन करके, डिफॉरेस्टेशन घटा करके, एक सेफ और एनर्जी यूज करके। सेक्शन ए का ग्रुप डी द्वारा बनाया गया रंगोली कंपटीशन पर एक रंगोली है। इस रंगोली का थीम है नेचर वर्सेस स्पेशल। अभी तक जितना भी देखेंगे रंगोली सेल्फ को बोलता है पेड़ बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग को कम करो, सेव वाटर और बहुत सारी चीज है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं और उसको करने से पृथ्वी तो बच जा रहा है, लेकिन पृथ्वी खराब हो गई। लेकिन एक नेता आएगा कि स्पेस जल जो है वो हमारी पृथ्वी को खा जाएगी। स्पेस जल क्या है, 1957 में पहली बार सूर्य मंदिर द्वारा भेजा गया था पहला सैटेलाइट, उसके बाद लगातार हर एक साल देश भी देशों से सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि सैटेलाइट का कार मतलब कार करने की क्षमता 5 से 10% भी चला, कार करने के बाद वो भी देश को सैटेलाइट को ऐसे ही छोड़ देते हैं अनकंट्रोल, जब इसे मिलाए थे अनकंट्रोल कंडीशन में पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उस टकराने से बहुत सारा जंग बनता है और वो जंग हमारे वायुमंडल के ऊपर एक जंग की तरह बन गए हैं और पृथ्वी के नुकसान देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा देखा जाए तो हमारे पृथ्वी के बाहरी वातावरण के ऊपर 1,38,000,000 cm² से कम जंग है और 38,000 से ज्यादा 10 cm² का और अभी 3,000 वर्किंग सैटेलाइट है और 22 को जो अनवर्किंग कंडीशन में सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट बहुत ही घातक है, पृथ्वी का नुकसान हो रहा है। पहला चीज अभी आपने सुना होगा कि चाइना का एक कंट्रोल अनकंट्रोल रह गए मालदीव के सामने,
हिल को मसाला में गिर गया था। ऐसा ही होता रहा, लेकिन ऐसा आएगा कि स्पेस स्पेस वार होगा। स्पेस में हम जितना चीज भेजे जिसका समुद्र में कचरा जमा होने के बाद एक बार समुद्र उसे बाहर फेंक देता है, उसी तरह पृथ्वी के बाहर हमने एक स्पेस जंग बना दिया है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो हम ही पर गिरेगा और पूरा पृथ्वी बर्बाद होगा। जितना भी पेड़ बचाना, जितना जल बचाना, ये सब है, वो सारा तबाह हो जाएगा। कभी बताते हैं स्पेस जंग से नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला है कि ग्लोब बन जा रहा है जिसे वायुमंडल नुकसान पहुंच रहा है, वायुमंडल का नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा चीज है कि जब एक देश का सैटेलाइट, दो दुश्मन देश का, एक देश का सैटेलाइट किसी दूसरे देश के देश में जाकर गिरेगा, जैसे चाइना के सैटेलाइट है यूएस में जाकर गिरेगा, तो एक वर्ल्ड वार शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, पृथ्वी का भी अंत में जाकर नुकसान होगा। तीसरा बात क्या है कि सपोज कि बहुत हम लोग जानते हैं हमारा स्पेस गुरुत्वाकर्षण बल पर ठीक है, तो बहुत सारा स्पेस प्राप्त होने से गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी का वो डिसबैलेंस होने का डर है, उससे भी पृथ्वी का नुकसान होगा। अब इसे बचेंगे कैसे, बचने का उपाय है यूनाइटेड नेशन, बहुत सारे मुझे बताया पेड़ आने जब बता नहीं सकता, लेकिन आज तक एक भी ऐसा कौन नहीं हुआ है जो स्पेस क्राफ्ट पर चर्चा करे। दूसरा चीज एक ऐसा सैटेलाइट लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट भेजा ताकि कम समय में जाएंगे वहाँ मनुष्य को बचाएंगे, लेकिन देखा जाएगी पृथ्वी जहाँ बचने लायक चीजें हैं उसको बर्बाद करेंगे, हम मंगल में जाएंगे पृथ्वी में जाएंगे। कुछ हमारा जो है रंगोली वही था, उसका एक था कि चाइना ने हमको ऐसा बनाने के लिए बच्चा भी समझा, ऐसा नहीं कि बच्चा को समझने के लिए मुश्किल हो। एक तरफ है कि हमने सैटेलाइट का एक तरफ देखते हैं पेड़ बोल रहे हैं बादल है देखा जाए तो हम लोग उसे वापस भी डाल दे रहे हैं। बाईस अप्रैल को मनाते आ रहे हैं, इसकी अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो ये वर्ल्ड वाइड हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम लोग इंस्पायर कर सके लोगों को और अवेयर कर सके एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। ये पहली बार इसको मनाने की वजह यह है कि 1969 में एक बहुत ही मैसिव ऑयल स्पिल हुआ था अमेरिका में सैंटा बारबरा कैलिफोर्निया में, जिसके बाद की फॉर्मर यूएस सेनेटर जो थे वो नेल्सन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों को अवेयर करेंगे एयर और वाटर पॉल्यूशन के लिए। तो उन्होंने 22 अप्रैल का दिन निर्धारित किया क्योंकि वो स्प्रिंग सीजन का एंड होता है। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि 192 कंट्रीज में ये मनाया जाता है। इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे जो पृथ्वी का भविष्य है वो हमारे मनुष्य के हाथों में है, हम लोग इसे बना भी सकते हैं और हम ही इसे बिगाड़ते भी हैं। मदर अर्थ जो है वो हमें हर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है जिससे कि हम लोग वो हमारी नीड पूरी कर सके, पर वो हमारी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकती है। वो हमें तो हम लोगों ने भी वैसा 10% इसमें केमिकल और 90% नेचुरल है सर।